बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ईदुल्फितर के हवाले से बड़ी अपडेट से आगाह कर रहे हैं। इस साल रमज़ानुल मुबारक के रोज़े 29 होंगे या 30। ईदुल्फितर जुमेरात को होगी या जुम्मा को, हुकूमत ने हतमी फैसला सुना दिया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि महकमा मौसमियात और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक जैसी पेशगोई की है। रोयत हिलाल कमेटी की रिसर्च काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल एजाज मुफ्ती ने कहा है कि पाकिस्तान में शवाल के चाँद की पैदाइश 11 और 12 मई की दरमियानी शब को होगी और 12 मई की शाम को कहीं भी नंगी आँख से चाँद नहीं देखा जा सकेगा। लिहाजा इस साल पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े पूरे किए जाए और जुम्मा 14 मई को ईद उल फितर मनाई जाएगी।